नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। और अधीर रंजन ने किस तरह से राज्यपाल सत्यपाल मलिक के लिए एक बड़ा बयान दिया है वो बता देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अधीर रंजन कहते हुए दिख रहे थे कि राज्यपाल को एक पॉलिटिकल तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, ये देखिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो पार्लियामेंट में बोले हैं उसने अपनी पार्टी को कब्र में लिटा दिया है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जब भी कभी चुनाव होगा देश में तो अधीर रंजन चौधरी जरूर कोट किए जाएंगे कि ये बता रहे थे कि ये तो मामला यूएनओ का है। मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, उस आदमी की जानकारी पे या उसकी समझदारी पे? मैं बहुत अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे इल्ज़ाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या करेंगे उसकी हमको कोई परवाह नहीं है, हमको अपना पता है हम क्या करेंगे। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का क्या कुछ कहना था। उनका साफ यही कहना है कि जब भी चुनावों का माहौल आता है तो उस तरीके से अधीर रंजन जो हैं वो हमेशा ही सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बयानबाजी पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरह माहौल बना हुआ है उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। अमन और शांति है यहाँ पर और आगे भी उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।